क्राइम पेट्रोल सतर्क की तरफ से सभी दर्शकों को दिवाली और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। एक ऐसा केस जिसमें ना तो कोई कत्ल हुआ और ना ही कोई खून खराबा, पर एक चौंकाने वाला जुर्म जरूर हुआ था जिसकी तहकीकात काफी घुमावदार थी, रोमांचक थी और तनावपूर्ण थी। इनके चेहरे पे मत जाना, जैसे दिखते वैसे है नहीं। नाम है बटुक परमार, सूरत में ही एक साड़ी की दुकान में काम करते हैं। इनके घर की माली हालत पर भी मत जाना, यहां भी अंदर की हकीकत बहुत ही अलग है। जय कृष्ण बा। घर में पत्नी है अल्पा परमार, माँ है कोकिला परमार, एक बेटा है दीपेश परमार और एक बेटी है पारुल परमार। कल सुबह ठीक 7:30 बजे हम इस परमार परिवार को घेरे में लेंगे। क्राइम ब्रांच, आयकर विभाग। शो बात शो छे बटुक भाई, परमार का घर यही है जी। पर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे भाई बात क्या है, कुछ तो बताओ। और भी कोई लोग हैं घर में? पीछे कोई कमरा वमरा नहीं? मैडम और कोई कमरा नहीं है, बस इतने ही लोग हैं, बात तो बताइए। आइए आप सब लोग यहाँ एक तरफ आ जाइए। हाँ जी आप भी प्लीज ये बताइए, घर में कितने फोन है, किस किस के पास में है? मेरे पास एक फोन है। मेरे पास भी है और मम्मी के पास भी है, पापा के पास भी है। सब फोन इकट्ठा करके अभी इनको दे दो। ये सारे फोन स्विच ऑफ करके यहाँ रखिए। लैंडलाइन है घर में? नहीं। झूठ नहीं बोलना बटुक परमार, साहब मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो चेक कर लो। मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं, इनके घर में लैंडलाइन नहीं। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के कागजात लेकर आइए, हम देखना चाहते हैं कि आप कितना रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स साहब, मैं तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से फाइल लाइए। बटुक परमार, इन्हें आयकर विभाग को ठोस खबर मिली है कि आप अपनी आमदनी के हिसाब से टैक्स फाइल नहीं कर, काफी सारा काला धन इकट्ठा कर रखा है इस घर में। काला धन? साहब मैं तो साड़ी की दुकान में काम करता हूँ, 5,500 रुपये पगार मिलती है। इसी महीने वो दिवाली का बोनस दिया 2,500 रुपये मेरे सेठ ने। ये मेरी घरवाली है, घर घर खाना बनाने का काम करती है, 4,500 रुपये लाती है। इतनी कमाई में कहाँ इनकम टैक्स, कहाँ काला धन। मतलब आपने आज तक कोई भी टैक्स रिटर्न फाइल किया ही नहीं? रिटर्न टैक्स मुझे नहीं मालूम, मेरा कभी पाला ही नहीं पड़ा। सर कहीं हमें गलत टिप तो नहीं मिली है? साहब हमारे पास काला सफेद धन नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। हमारी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। बटुक परमार, ये आयकर विभाग के अधिकारी आपके पूरे घर की तलाशी लेंगे। ये छापा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा, और मैं इस छापे की कानून एंट्री करूँ। आप सब लोग अपने नाम, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर इन हवलदार साहब के पास लिखवाएंगे, देखना कोई डिटेल्स छूटे ना। ये रहा इस छापे का सरकारी आदेश। अरे क्या क्या कर रही हैं आप? अरे गद्दे के नीचे कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है इसमें, हमने घर में कुछ नहीं छुपाया साहब। तो फिर कांप क्यों रहे हो? बाजी बैठ जाइए, और आप भी सर। अंदर कबर्ड की चाबी दीजिए, आइए। चाबी? आइए आइए। चाबी तो पुराने सेठ के पास है,
जहाँ मैं पहले काम करता था। क्या नाम है सेठ का? अरविंद सेठ, अरविंद भाई पारेख। आपके घर के अंदर ये कबर्ड है जिसकी चाबी किसी और के पास है, ये घर उनका है क्या? नहीं, घर तो मेरा। अच्छा, घर आपका, अलमारी आपकी और चाबी उनके पास, ऐसा क्यों? मैं उनको फोन करके बुला लेता हूँ। नहीं, फोन करना अलाउड नहीं। दरअसल कबाड़ वो सेठ ने लाया था, उन्होंने रखा है, इसलिए चाबी भी उनके पास है। मैंने कहा था ना, हमारी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। डुप्लीकेट चाबी तो होगी आपके पास? नहीं, बस एक बार फोन कर लेता हूँ। फोन करना अलाउड नहीं है बटुक परमार, ये छापा चल रहा है, मुझे लगता है हमें ही अलमारी खोलनी पड़ेगी तोड़ के। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो। क्यों, ऐसा क्या छुपा है इसके अंदर? वो अरविंद सेठ अपना सामान रखते हैं। सामान में क्या, हाथी घोड़े क्या? नहीं, सेठ का सामान है, पता नहीं। आप तो ऐसे कतरा रहे हैं जैसे अंदर कोई लाश रखी हुई है। लाश? पैसे। बटुक परमार जी, अब तो डुप्लीकेट चाबी दे ही दीजिए। साहब मैं सच कह रहा हूँ, चाबी मेरे पास नहीं। ये बटुक जी बता रहे हैं अंदर जो स्टील का कबाड़ है उसकी चाबी नहीं है उनके पास, ये सच बता रहे हैं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार अरविंद सेठ को फोन करने दो, वो आपको सब समझा देंगे। हमें सब समझ में आ गया बटुक परमार, हमारा रोज का काम है ये। आखिरी बार कह रही हूँ कि छापे के दौरान कोई कॉल जाएगा तो सिर्फ हमारी तरफ से। सर आप अपने कमिश्नर साहब को फोन लगाइए और पूछिए ताला तोड़े या नहीं। हेलो सर, सर यहाँ तो शक करने जैसा सब कुछ है। ठीक है सर, तो ताला तोड़ दें। यस सर। हाँ सर, यही है। एक मिनट सर। सर गुड मॉर्निंग सर। जी जी सर, ओके सर। जी सर, ताला तोड़ देते हैं और कबर्ड में से जो भी बरामद होता है उसकी एंट्री पट्टू परमार के सामने रजिस्टर में करवा देते हैं। जी सर। जैन सर, कमिश्नर साहब ने ताला तोड़ने की ऑर्डर दे दी। क्या है अलमारी में? मने खबर न थी। मने पर न देखा। जाइए, घर में जो सबसे बड़ा बैग है वो ले आइए, उसकी भी एंट्री होगी और केस रजिस्टर होने के बाद बैग वापस लौटा दिया जाएगा। दीपेश, दीपेश। हाँ पापा। बैग दे। ये रखा बैग। बटुक परमार, आपको हमारे साथ आयकर भवन आना होगा। ये सारा पैसा मेरा नहीं है। हाँ, लेकिन घर तो आप ही का है जहाँ से मैं पैसे मिले। लेकिन वो अरविंद सेठ ने। अरविंद सेठ का नंबर दीजिए और आप कमीज पहन लीजिए, चलिए हमारे साथ। कहाँ ले जा रहे हैं? दीपेश कहीं कर रहे? देखिए, हमारे आदमी आपके घर पे बाहर नजर रखे हुए हैं और जब तक बटुक भाई हमारे आदमी के साथ वापस न लौटे आप में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अरे पर बेन, दीपेश तू ये तुम्हारे अरविंद सेठ का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ये चुपके से छापे की खबर तुमने दे दी हो? लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है, हमने इनके घर के सारे सेल फोन ऑफ करवा दिए थे और घर का कोई फैमिली मेंबर को बाहर भी नहीं जाने दिया था। कहीं कोई और फोन तो नहीं तुम्हारे घर में? नहीं नहीं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, वो मेरे पुराने सेठ थे, मैं उनकी नौकरी करता था, ये सारे पैसे उनके मेरे नहीं। एक तरफ सरकार विदेश से सारा काला धन लाने में लगी और दूसरी तरफ तुम देश के अंदर ही ऐसी काली करतूत कर रहे हो। और कहां-कहां छुपा के रखे हैं पैसे? मुझे कुछ नहीं पता साहब, ये सारे पैसे अरविंद सेठ के हैं। तुम भी तो अरविंद सेठ के हो, एकदम पता है। गरीब और कर भी कह सकते हैं मालिक। अच्छा, तो चुन चुन के पैसे तुम्हारे यहाँ क्यों छुपाए गए? मुझे कुछ नहीं पता, आप पता कर लो। जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया गले से 10 रुपए तक नहीं चुराए। मुझे लगता है कि हमें इस अरविंद भाई को आड़े हाथों लेना चाहिए।
हमें लग रहा है तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम पे भरोसा कर रहे हैं, तुम्हें जाने दे रहे हैं। मालिक मैं सच में बेकसूर हूँ। ये हमारे विभाग का पता, अगर 10 बजे तक अरविंद सेठ ने हाजिरी नहीं दी तो केस तुम्हारे नाम पे दर्ज करना पड़ेगा और फिर हमें तुम्हें अंदर करना होगा। जाइए रिक्शा तक छोड़ दीजिए। ठीक आइए। रिक्शा भाड़े के पैसे हैं? नहीं। ये लो आराम से जाना, ठीक है? रुक, रुक, रुक। फोन जल्दी दे, अरविंद सेठ को तुरंत फोन करा, जल्दी दे। लेकिन पप्पा सारे फोन तो लेके चले गए वो लोग। ऐसे कैसे? अरे सुनिए पप्पा, सुनिए कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो। हेलो अरविंद सेठ, बटुक बोलूं तो? हाँ बटुक बोल, शुभ खबर। मेरे घर में छापा पड़ा अभी। छापा? कैसा छापा? वो आयकर विभाग वाले थे, पुलिस भी थी उनके साथ। शुभ बात करे चबटू, पूरा कैश उठा कर ले गए। हाँ धीरज, बटुक बोल तो यही रहा था। लेकिन बटुक भाई के वहाँ छापा पड़ा ही कैसे? उन लोगों को कैसे पता चला? मैंने शुभ खबर सविता, मैं जा रहा हूँ पता लगाने के लिए। जय श्री कृष्ण अरविंद। बटुक का ये एड्रेस तो सिटी लाइट इलाके का, वहां किसके बाप का आयकर विभाग है? वो तो मजूरा पार्क गेट पे है ना। अब मुझे क्या पता, उन्होंने मुझे ये दिया और कहा इसी एड्रेस पे आके आपको हाजिरी देनी है। आप ही जे नंबर डायल करो छे ते वैद्य नंबर नथी। बटू ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। सेठ उन्होंने आपको तो फोन किया था, मुझसे नंबर लिया लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था। मेरा फोन कभी ऑफ नहीं रहता, ये तेरे को भी मालूम है ना। पता नहीं उन्हें क्या लगा, फिर उन्होंने मेरे सामने किसी कमिश्नर को फोन किया, उसके बाद ताला तोड़ दिया कबाट का। कौन सा क्राइम ब्रांच था? ये तो उन्होंने नहीं बोला। फर्जी थे, फर्जी का छापा, मुझे लूट लिया गया। फर्जी? लेकिन उन्हें कैसे पता चला यहाँ इतना पैसा था? डेफिनेटली फ्रॉड है सर, योगेश कोटेचा नाम का कोई भी डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं। तो भूषण जी, आज सुबह कोई आईटी रेड नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। बटुक भाई परमार नाम के किसी भी आदमी के घर पर रेड करने के ऑर्डर हमें इश्यू हुए नहीं, और वैसे भी सुबह 7:30 बजे कौन रेड करता है? फर्जी छापा, फर्जी ऑर्डर, पैसे असली थे। कितने थे? 60 पेटी। 60 लाख कैश, मतलब सब ब्लैक? नहीं साहब, मेरी ज्वेलरी की दुकान है, धंधा केस में होता है, एक एक बिक्री की रसीद है मेरे पास। तो इतनी बड़ी रकम इनके घर में छुपाने की क्या वजह थी? छुपाई नहीं सर, महफूज रखे थे, मेरा तो दिवाली से पहले ही दिवाला निकल गया। सर पूरे सैटेलाइट एरिया में ये पारस मनी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं जो एड्रेस इस कार्ड पे लिखा हुआ है। सर योगेश गोटे का नाम फर्जी है, आईटी डिपार्टमेंट ने ना तो इस तरह की कोई रेड प्लान की थी और ना ही इस नाम का कोई बंदा है उनका। आप दोनों और आप दोनों के परिवार वालों के अलावा और किसे ये बात मालूम थी कि इनके घर में इतनी बड़ी रकम रखी है? मुझे तो खुद ही पता नहीं था कि कितना पैसा है, कबाट भी अरविंद सेठ ने ही रखी थी, चाबी भी इन्हीं के पास थी, है ना सेठ? बटुक भाई आप हमारे साथ चलिए, हमें वो रास्ता दिखाइए जहाँ वो लोग आपको लेकर गए थे और जहाँ चाय पिलाई थी। पक्का यही रास्ता था? हाँ ये रास्ता था। ये फ्लाईओवर लिया था? नहीं साहब, फ्लाईओवर तो नहीं था। आते ही उन लोगों ने ऐलान कर दिया था, एक ने बोला वो क्राइम ब्रांच से और एक ने बोला कि वो आयकर विभाग से, और एक ने पुलिस की यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी। कुल मिलाकर कितने लोग थे? 5 लोग थे और उनमें से एक लेडीज भी थी। हाँ वो 5 थे। एक जो वर्दी वाला था वो दरवाजे पे खड़ा था और लेडीज बहन थी वो हम पर नजर रख रही थी। पापा पुलिस स्टेशन में अभी भी कंप्लेन लिखवाई है। धीरज दिक्रम, मैं तेरे पापा को पहले से बोलती आई हूं कि मत करो भरोसा उस बटुक पर। अब जो हो गया सो हो गया,
वधारे टेंशन तो पप्पा नहीं छे। यही थी क्या? यही रोकी थी उन्होंने गाड़ी, फिर चाय पिलाई, फिर उनमें से एक आदमी ने सड़क पार कराई और ऑटो के पैसे दिए। फिर कहाँ निकल गए? इस तरफ या इस तरफ? वो तो मुझे नहीं मालूम, मैं पहले निकल गया था। कितने बजे? यही कोई 8 के आसपास। नहीं साहब, 8 बजे तो मैंने किसी को भी गाड़ी में से आते नहीं देखा। ये कह रहे हैं कि 5 लोग थे, बड़ी गाड़ी थी। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, और मैंने इसको भी नहीं देखा है साहब। ऐसे लोगों पे ना तो मैं पक्का नजर रखती हूँ कि चाय पी के पैसे दिए बिना निकल ना जाए। मैं था, चाय उन्होंने पिलाई थी। बटुक भाई, एक तो ये की औरत झूठ क्यों बोलेगी, और दूसरी बात ये कि आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना गाड़ी का नंबर, ना गाड़ी का रंग, ना मॉडल, कुछ भी नहीं। साहब मैं इतना हली गया हूं तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, कुछ नजर में गया ही नहीं। जल्दी बैठो। मैं इतना परेशान था कि मेरे साथ क्या होने वाला है कुछ देखा ही नहीं। गाड़ी के अंदर तो नजर घुमाई होगी आपने? इन सारी गाड़ियों को ध्यान से देखिए, क्या इन जैसी कोई गाड़ी थी या कोई और थी? सब ये वाली गाड़ी थी, मतलब ऐसी वाली गाड़ी थी अंदर ना कुछ। बटुक भाई यहाँ देखिए, यहाँ डैशबोर्ड पर देखिए कुछ था क्या, कोई गणपति की मूर्ति वगैरह या कुछ और? हाँ गणपति था। भार्गव एक काम करो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से उस पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। मैंने लगे से बटुक भाई थोक के हिसाब से फेंक रहे हैं। अगर ये फेंक भी रहा है ना तो हम भी ऐसा फेंकेंगे इसे कि जब ये उठेगा ना तो याद करेगा हमको। जब तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट से सीसीटीवी फुटेज नहीं आती, इस बटुक से मैं बात करता हूँ। और सचिन तुम लग जाओ इस अरविंद पार्क के पीछे, और रुचिका तुम खबरियों को लगाओ ये पता करने के लिए कि अरविंद और बटुक के बीच में असली अरेंजमेंट क्या था। राइट सर। और बटुक के परिवार वालों को स्केच आर्टिस्ट के साथ बिठवाओ। 5 सस्पेक्ट को पेपर पर उतरवाओ, पता तो चले फ्रॉड उन 5 ने किया है या ये दोनों अरविंद और बटुक, ये दोनों हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। अरविंद से कबाड़ में 60 लाख ही थे क्या? साठ लाख थे या ज्यादा थे? मैंने तो कभी पैसा देखा ही नहीं था, तो गिनता कैसे और क्यों, मुझे क्या फर्क पड़ता? गिन कर 60 पेटी थी साहब, सारे पैसों का हिसाब है मेरे पास। अगर इतना हिसाब किताब किया था तो आपको अपने घर पर रखना महफूज क्यों नहीं लगा? जमाना खराब है, ऊपर से रोकड़ा, मुझे लगा कि बटुक के घर को चोर वोर नहीं आएगा। पर चोर आया। पहले अरविंद सेठ का फरसान का धंधा था, तो 8 साल में उनके साथ जुड़ा रहा, फिर वो 5 साल पहले उन्होंने सोने का कारोबार कर लिया, तो उसमें मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जरूरत तो पड़ी तुम्हारी अरविंद सेठ को, और तुमने वफादारी में कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया। इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी साहब, अरविंद सेठ बोले तेरे घर में पैसा रख रहा हूँ तो मैं ना ही नहीं कर पाया। इतनी भी क्या मजबूरी थी? अरविंद सेठ के बहुत उपकार है मुझ पर और मेरे परिवार पर साहब, तो इसमें ना कहने की गुंजाइश ही नहीं। तुझे जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कबाड़ मेरी होगी, बंद रहेगी, चाबी हमेशा मेरे पास रहेगी, तो चलते नहीं। आज शू बात करे छो तमें सेठ, ये घर भी तो आपकी मदद से खरीदा मैंने। उस कबाट में भी पैसे रखूंगा। पैसे? हाँ रोकड़ा। रोकड़ा? रोकड़ा मतलब? नहीं पूछना तो नहीं चाहिए, जोखम है ना, आप जैसे बिल्डिंग तो है नहीं जहाँ 24 घंटे पहरा लगा रहता है, चोरी की कोई सोच भी नहीं सकता। देख मेरे को चोर लुटेरों से डर नहीं लगता। तो फिर सेठ मैं वैसे सारे टैक्स भरता हूँ, लेकिन सरकार कभी खुशी नहीं होती, कभी ये टैक्स वो टैक्स, नई नई टैक्स लगाकर कंगाल करने पर तुली हम जैसे लोगों को। वो भी सही, मत देना अपनी मेहनत की कमाई का एक पैसा मत देना। अरे पकले ऐसा थोड़ी ना, टैक्स देना भी जरूरी है, जो मैं देता हूँ वो क्या है, ये थोड़ा ऊपर के बचाएंगे, उन्हीं को मैं तेरे पास रखना चाहता हूँ। देख अगर अपने घर में रखा बाई चांस कभी वो छापा वापा पड़ गया
बेकार में शर्मिंदगी हो। मेरी इज्जत का सवाल है। आपकी इज्जत सर आंखों पर बेझिझक रखो। आप जितना पैसा बस तुझे एक काम करना और सीने होंगे तुझे अपने और अपने पूरे परिवार के। ये खबर बाहर नहीं जा सकती कभी नहीं, किसी भी सूरत में। मुझे बाकी कसम खाता हूं मैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मतलब ये पैसा ब्लैक का ही है? मुझे काला गोरा नीला पैसा कुछ समझ में नहीं आता। पैसा तो पैसा होता है साहब, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। खून पसीने की कमाई चोरी करके ले गए, दिल जल के राख हो गया मालिक। दिल जल कर राख हो गया था या दिल में मैल आ गई थी? मतलब ज्यादा बन मत बटुक परमार, सीधे सीधे बोल, वो पांच लोग कौन थे जिनके साथ मिलकर तुमने ये पूरा ड्रामा रचा फर्जी रेट का? या कोई लोग थे ही नहीं? चल बोल। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने अभी तक कोई झूठ नहीं बोला। कुछ बातें ना बोलना भी झूठ ही होता। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि गाड़ी का मॉडल क्या था, गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी का रंग क्या था, और वो चाय वाली वो भी तुम्हें नहीं पहचानती। भटुक पे मेरा पूरा भरोसा है साहब। पर हमें आप दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। काला पैसा और भरोसा दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकते। दूध का धुला हुआ तो मैं भी नहीं हूं और ना ही कोई व्यापारी हो सकता है। हाँ उस पर थोड़ा ब्लैक था पर पूरा नहीं। अगर ब्लैक पूरा होता तो मैं किस मुझसे शिकायत दर्ज करवाने आता? आपकी ये शिकायत भी तो ब्लैक को व्हाइट करने की उस साजिश का हिस्सा हो सकती है जिसमें आप दोनों शामिल हैं। नहीं साहब ये सही नहीं है। कहीं तो कुछ सही नहीं अरविंद भाई, वरना इतनी सीक्रेट बात घर के बाहर गई कैसे? ये आपने बटुक के घर की अलमारी में लाखों रुपए रखे हुए हैं ताला लगाकर, वो भी कैश। मेरे घर में मेरे बेटे धीरज और मेरी पत्नी सविता के अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं है। घर में सभी को पता था कबाड़ अरविंद सेठ का है, उनका सामान रखा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था उसमें पैसा रखा है और कितना। किसी ना किसी को पक्का पता था कि अलमारी में इतनी बड़ी रकम रखी। ये फर्जी रेट उसी का नतीजा है। इस केस में अब कई पेचीदा और चौंकाने वाले मोड़ आने वाले थे, खासकर उन पांच सस्पेक्ट्स को लेकर जिनके स्केचेस बनने वाले थे। और उसके पहले आया पहला झटका जब बटुक परमार का अतीत हमारे सामने आया। कोई सुनेगा तो वैसे ही हंस देगा साहब जी। तो सुना तेरा चुटकुला? साहब ये बटुक दिन रात साड़ी की दुकान पर अपनी कमर तुड़वाता है। वहाँ सूरज स्टेशन के पास बटुक का अच्छा खासा अपना फलों का ठेला है। ये लो बटुक भाई, अच्छा मिलते हैं। सलाम सलाम सलाम। इस फेरोज को ठेला 100 रुपए किराए पर दे रखा है, दिन की 100 की पत्ती। बड़ा अजीब, ठेला चलाएगा तो तनख्वाह से ज्यादा कमा लेगा। जय श्री कृष्ण मोहन भाई। जय श्री कृष्ण बटुक भाई। उसकी मिसेस अल्पा वो भी वाकई में लोगों के घरों में खाना बनाती है। इस अरविंद भाई का बटुक के साथ हमेशा से सब सही रहा? हाँ साहब, मेहरबान मालिक, वफादार नौकर। फिर 5 साल पहले अरविंद ने लाइन चेंज किया। बेसन से सोना? जी बिल्कुल, बेसन से सोना, पीला कलर लकी है ना उसके लिए। सर झोल कहाँ हुआ होगा? क्या इन दोनों के बीच कोई मिली भगत हो सकती है? सच नहीं, ये जो 5 लोग आए थे हो सकता है इन्हें अरविंद पारेख ने भेजा, या फिर ये भी हो सकता है ये खुद बटुक पर मार के अपने ही लोग, या फिर इन्हें अरविंद पारेख के बेटे धीरज पारेख ने भेजा। साहब एक बार इन 5ों की स्केच बाजार में घूमेगी ना तो मुश्किल नहीं होगा पता करने में, मतलब ये है कौन, ये है भी या नहीं। फर्जी छापा टीम में 4 मर्द और 1 औरत होने का दावा तो किया था परमार परिवार ने, पर उनके स्केचेस बनवाने में हमारी मदद करने के बजाय ये परिवार उलझन बढ़ाया जा रहा। हमें ये भी लगने लगा था कि इनसे स्केचेस बनवाना शायद वक्त की बर्बादी हो। सर इन 5ों लोगों की थ्योरी अपने आप में ही फेक लग रही, हर कोई अलग अलग हुलिया बता रहा है इन 5ों लोगों का। और बटुक परमार ने हमें जो रूट पता है, जो टी स्टॉल बताई, कुछ भी हकीकत से मैच नहीं कर रहा। और सर सीसीटीवी फुटेज देखते वक्त भी बटुक परमार उस गाड़ी को नहीं पहचान पाए जिसमें वो लोग उसे लेके गए थे। बटुक भाई पर इस रूट पर तो आपकी बताई हुई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। बटुक परमार जी जिस तरह की गाड़ी के बारे में आपने बताया था
वैसे हम चार चार बड़ी गाड़ी चेक कर चुके हैं, उनमें से किसी में भी आप नहीं नजर आए हैं और ना ही आपके बताए वो चार आदमी और एक औरत। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम, वो बड़ी गाड़ी थी, चार लोग थे, एक औरत थी, मुझे लेके गए, चाय भी पिलाई। पर उस चाय वाली ने आपके सामने मना किया है ना। देखिए बटुक परमार जी, ये बचकानी हरकत करने से कोई काला धन सफेद तो होने सरा, तो अब भी सच बोल दीजिए, क्या साजिश है और क्या प्लान था? कुछ प्लान नहीं है मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बटुक परमार का घर उत्तराण इलाके में है ना? यस सर, रावलपुरा। इन सब का कहना है कि रेड सुबह सुबह हुई और सबके सामने कमिश्नर से बात हुई। एक काम करो, रावलपुर इलाके का डम डाटा निकलवा, परमार और पारेख फैमिली के एक एक मेंबर का फोन रिकॉर्ड निकलवा। क्या रेड हुई थी आपकी आईटी डिपार्टमेंट की? हाँ हुई थी परेश, बटुक परमार के घर पर नहीं, अरविंद पारेख के घर पर, और वो भी फर्जी रेड के एक हफ्ते पहले। भूषण जी मुझे विस्तार से बताइए। 18 अक्टूबर को हमारी टीम ने अरविंद पारेख के घर पर रेड किया था। ये रेड एक अरसे से प्लान थी, असली रेड, असली ऑफिसर वाली। मेरी उन ऑफिसर से बात हुई जो रेड में शामिल थे, उन्हें गहरा शक था कि अरविंद अपने टैक्स के कागजातों में घफला कर रहा है। सर जी मैं आपसे कह रहा हूँ, सारी फाइलिंग बिल्कुल सही है, मैं सारे टैक्सेस समय पे दे देता हूँ। टीम ने घर के चप्पे चप्पे को छाना, पर कहीं भी कोई भी छुपा हुआ पैसा नहीं मिला। दरअसल टीम के हाथ कुछ लगा ही नहीं। हाँ रेट हुई थी, ये तो उनके रिकॉर्ड में भी है, मेरी छुपाने से क्या छुपती। पारेख साहब 18 अक्टूबर को आपके घर पर रेट पड़ी और उसके ठीक एक हफ्ते बाद आपने बटुक परमार के घर पर नकली रेट पड़वा कर अपने पैसे लूट लिए। नहीं साहब, मेरा फर्जी रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर 18 अक्टूबर की शाम को आपने बटुक परमार को 5,000 रुपए क्यों दिए? ये 5,000 की बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई, और अब बताकर क्या साबित करना चाहते हो? आप कम से कम 20 बार पूछ चुके हैं 18 अक्टूबर की रेट के बारे में, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने बता दिया बस। ये किस लिए सेठ? घटले, आज तेरी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मेरी वजह से कैसे? तू नहीं समझ रहा, जा जा अंदर जाके पैसे घर वालों को दे दे, अच्छा कुछ खरीदने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था उनके घर में छापा पड़ा था, मैं तो 5,000 में खुश था, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। तुम 5,000 से खुश नहीं थे, तुम्हें अभी और पैसे मिलने वाले हैं, शायद उन लाखों का हिस्सा जो तुमने अरविंद भाई के साथ मिलकर गायब करवाए। नहीं साहब नहीं। कोई 5-5 लोग नहीं आए थे? आए थे, 5 लोग आए थे। तुम दोनों मिलकर हम पुलिस वालों का इस्तेमाल करना चाहते हो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए? वो क्या होता है साहब, बटू कितना भोला है कि आप उसे बुद्धू बोल सकते हो, वो इतनी बड़ी चाल कभी नहीं सोच सकता कि 5 मनगढ़ंत लोगों को तैयार करे और इतना सारा पैसा लूटे। और बटुक की फैमिली, उनके बारे में क्या कहेंगे? सबके सब बुद्धू हैं। बटुक के पीठ पीछे वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर वो सभी लोग बोल रहे हैं कि 5 लोग आए थे, मतलब आए थे। सर दोनों अपने अपने बयानों से टस से मस नहीं हो रहे। और सर डम डेटा से कुछ खास निकला नहीं, बाकी सभी के फोन रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग चल रही है, शायद अंदर का हाथ हो। ये बटुक परमार और अरविंद पारेख दोनों शायद ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, इसलिए खेल रहे हैं हमारे साथ या फिर एक दूसरे के साथ। बटुक, पक्का 5 लोग थे, 4 आदमी एक और, जैसा जैसा तुमने पुलिस को बताया। अरविंद सर आप भी कम से कम, आप तो नमक खाया मैंने आपका। हो सकता है अरविंद पारेख बटुक परमार के कंधे पर रखकर निशाना साध रहा, या फिर बटुक अरविंद के, या फिर ये दोनों मिलकर हमारे कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर बटुक परमार के घर वालों को और उसके जान पहचान वालों को अलग अलग तोड़ते हैं, और सर इस अरविंद पारे के घर वालों की छानबीन करते हैं। क्या वो इस फिक्स मैच की टीम का हिस्सा है या फिर किसी और ने ही मैच फिक्स किया? अपने बटुक भाई? अरे नहीं नहीं साहब, वो तो खुदा के बंदे हैं। इस बटुक परमार ने कभी तुमसे जिक्र किया कि टेंशन हो रही है, घर पर इतना रोकड़ा पड़ा हुआ है? वो ये सब मुझे क्यों बताने लगे साहब? आप चाहे तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि बटुक भाई हमारी दुकान के सबसे वफादार और ईमानदार सेल्समैन है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैडम एक तो 5 साल कम नहीं होते किसी भी इंसान को पहचानने में, दूसरा हम ठहरे साड़ी बेचने वाले, हम तो लोगों की नीयत यूं पता लगा लेते हैं जैसे कि रेशम का लटकता हुआ धागा। आप वाकई में मुझ पर शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैं ऐसे 4-5 लोगों की टीम बनाकर बटुक भाई के घर भेजूंगा? दिवाली का टाइम है धीराज, ताशों की महफिलें लगती हैं, हो सकता है पापा ने पैसा देने से मना कर दिया। एक तो हूं ताश नहीं रमतो, और अगर कभी भी मेरे पापा ने मुझे पैसे देने से मना किया तो मैं अपनी जरूरत बदल दूंगा,
ऐसे परवरिश दी है मेरे पप्पा ने मुझे। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मुझे झूठी करार दो। ऐसी बात नहीं है कोकिला जी, जब तक सच सामने नहीं आ जाता हम हर मुमकिन संभावना टटोलते हैं। तो क्या मैं 5 लोगों की कहानी बनाऊंगी? मैं इतनी चालाक होती तो जवानी में 2-5 करोड़ तो ऐसे ही कमा लेती। तो झूठ कौन बोल रहा है, करोड़पति अरविंद पारेख? अब उनके बारे में क्या बताऊं मैं, सेठ लोग हैं, मेरे बेटे पर उनकी बहुत मेहरबानी है और हम पर भी। तो आपको बटुक भाई पर शक है? शक नहीं, यकीन है। मैं तो धीरज के पापा को ना पहले से कहती थी कि इतने पैसे वहाँ पे मत रखा करो। लेकिन ये बटुक परमार तो सालों से आपके पति का वफादार है। दिया में तेल ज्यादा पड़ जाए ना तो अच्छी से अच्छी बातें भी ना बूझ जाती, आग पकड़ लेती है। इंसान और लालच का भी ऐसा ही है, सबकी अपनी अपनी एक हद होती है, उसके बाद कोई किसी का भी नहीं। साची बात कहूँ तो लगा था कि वो 5,000 रुपए जो दिए वो क्यों दिए? मैंने पूछा तो बोले ऐसे ही। पर आपको अजीब क्यों लगा? बटू परमार तो कह रहे थे कि पहले भी कई बार दिए, हजारों लाखों में दिए घर खरीदने के लिए। वो 5 वर्ष पहले की बात है मैडम, और तब जितने भी दिए हो काम भी उतना ही करवाया। हम लोग गरीब जरूर है मैडम पर झूठे नहीं है। हमारी आंखों के सामने वो 5 लोग थे, 4 भाई और 1 बहन। और अगर ये बात आप लोगों को झूठ लग रही है ना तो असली लोग कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। लकी ने आप पूछो तुमने दिपेश, फिर से सोच ले। पक्का? 100% पर बहुत हो गया, सच जो है वो सामने आना ही चाहिए। हम केस के ऐसे पड़ाव पर थे जहां ये 5 फर्जी लोगों की शिकायत ही फर्जी लगने लगी थी। हम लगभग ये मान चुके थे कि कोई रेड हुई ही नहीं थी, जब कहानी एकदम से घूम गई। पर क्या ये कहानी वाकई में घूमी थी या घुमाई गई थी, ये साफ होना अभी बाकी था। बोलो। दरअसल उन लोगों ने किसी कमिश्नर मिशनर को फोन किया ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा था सर अपनी आंखों से, उस आदमी ने किसी को डायल ही नहीं किया था। हेलो। जब वो दूसरा बंदा भी बोला तब भी मेरी नजर उसकी स्क्रीन पर थी, कोई कॉल चल ही नहीं रहा था। ओके सर, ताला तोड़ देते हैं। सर तब इतना हिला हुआ था मैं कि सूझा ही नहीं कि आपको बताऊं, पर ऐसा अब लगता है कि बताना चाहिए। कहीं उस फर्जी फोन कॉल की तरह कि पूरे 5 लोगों की कहानी भी फर्जी तो नहीं? नहीं सर, ये कोई कहानी नहीं है। दिवेश तुम कॉलेज में पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, बेकार में ही अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो तुम? कसम खा के कहता हूँ कि 5 लोग आए हुए थे, और उतने ही नहीं सर, मेरी बहन पारू है ना, वो फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है, वो 5ों के स्केच बना के दे सकती है आपको। मैम हम सब आपके स्केच आर्टिस्ट के सामने डरे हुए थे, कुछ भी बोले जा रहे थे, इनमें से कोई भी स्केच ठीक से नहीं बनी। तो तब के तब क्यों नहीं बोला? तपेश ने बताया होगा ना, हम हद से ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन अब हमने सोचा अब बस, अब और नहीं। सारे हुबहू है सर, पोर्ट्रेट स्पेशलिस्ट हूँ, क्लासेस में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। पोर्ट्रेट बनाने में क्लास में फर्स्ट आती रही है तो नकली पोर्ट्रेट बनाने में तो डिस्टिंक्शन मिल सकती। दिपेश कहीं पुलिस हम पर तो शक नहीं करेगी ना? बिल्कुल कर से, काम है उनका शक करना, पर हमने अपने सर से सारा बोझ उतार दिया, उनको सब कुछ सच सच बता दिया, अब कोई डरने का कारण नहीं बचा। हो सकता है 5ों पारुल की कल्पना हो, कोरी इमेजिनेशन, हकीकत में ये 5ों हमें कभी मिले ही ना। सर सभी तरफ से लोग हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद में कि हम गोल गोल चक्कर काटते रहेंगे और ये केस अपने आप हवा हो जाएगा। सर अगर 1 मिनट के लिए पारुल और दीपेश की बात को सच माने तो? और इन 5ों के लिए सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं सर। हो सकता है सबके सब हिस्ट्री शीटर्स हों, शायद पहले भी ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए हों, फर्जी अवतार में माहिर हों। जी सर, यस मैडम, यस मैडम, जी सर, यस सर, जी मैडम, जी मैडम, यस सर, यस सर।
चलो शुरू। कितने फोन है घर पर, किस किस के पास में फोन है? जितने भी फोन है सब ऑफ करके इनको दे दो। इनको नहीं, उनको। उनको दे दो। यस सर। पुलिस की वर्दी पहनी होगी, ऐसे नहीं खड़े रहने का। ऐसा रुआ आप में रुकने का। और यस सर, जी सर, उतना ही बोलने का। आप मेरे को दो ही लाइन दिए, यस सर, जी मैडम, जी मैडम, यस सर। इसमें क्या और करने का है? जितना करने का उतना करना भाई। क्राइम पेट्रोल सीखता है ना, उसमें कैसे पुलिस वाले सच्ची एक्टिंग करते हैं, ऐसी सच्ची वाली एक्टिंग करने की। चलो शुरू। आप अपने कमिश्नर साहब को फोन लगाओ और पूछो। इसका है? सर, यहाँ शक करने जैसा सब कुछ है। ओके सर, तो तोड़ दे ताला। ओके सर, देता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। ओके सर, ओके सर। ये भाई क्या फटाफट फटाफट एक साथ सब बोलता है, बीच में रोकने का। पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि सामने कोई है। सुनो, एक लाइन बोला, बाद में। जी सर। ओके सर, बाद में वापस लाइन बोल लेंगे। आप सब अपने नाम, आधार कार्ड के नंबर, बैंक अकाउंट इन हवलदार साहब के पास लिखवाएंगे। बस सबको लगभग मालूम पड़ गया क्या बोलने का है। अब ये डायलॉग हम सब लोग याद कर लेंगे बराबर। बाद में काम करना है हमारे चेहरे के हाव भाव पे। इन पांचों को सच मानकर चलते हैं, बटुक और उसके परिवार के बयान को भी सच मानकर चलते हैं। ऐसी फर्जी रेट्स के जितने भी केसेस हैं सारी फाइल्स निकलो और जितने भी सस्पेक्ट हैं सबको उठवाओ। इनमें से एक भी सही साबित हुआ ना तो हम सही रास्ते पर, नहीं तो फिर से शुरू करेंगे। शुरुआत से शुरू। केस की शुरुआत में हमने इन किरदारों को मनगढ़ंत माना था और उसके बाद उन्हें सच मानकर ढूंढना शुरू किया। इस केस से मिलते जुलते कई केसेस की फाइल्स को खंगाला गया, हिस्ट्री शीट्स को भी खंगाला, तोड़ा और हम चौंक गए जब ये सच हमारे सामने आया कि ये किरदार महज कागज पर ही नहीं, दरअसल हकीकत में भी। हार्दिक, क्या पूरा नाम क्या है? हार्दिक गोहिल। तुमने इसे पहले भी गिरफ्तार किया? नहीं साहब, लेकिन एक दो बार हफ्ता लिया है इससे। हफ्ता? किस बात का हफ्ता लेते हो तुम इससे? कहां का है हार्दिक गोयल? ए हॉलीवुड बोलो, बॉलीवुड बोलो। लेटेस्ट से लेटेस्ट पिक्चर झटका मक्खन क्वालिटी। एक पेन ड्राइव तीन पिक्चर, एक पेन ड्राइव तीन पिक्चर। ले लो लाटे लाटे से ले। बच्चा देखे, बच्चे का बाप देखे, बच्चे की मम्मी देखे। इसका एक जगह ठिकाना नहीं है साहब। इस वक्त ये हार्दिक गोयल कहां पर है? आखिरी बार इसे स्टेशन पे देखा था। ए सुनो, इसको पहचानते हो? हाँ, ये तो अपना हार्दिक डीपीडी है। कहाँ मिलेगा साहब? कभी कभी यहीं इसी कोने में अपना ठेला लगाता था, पर आजकल गायब हुआ है कई दिनों से। कोई लफड़ा किया इसने? इनको ध्यान से देखो, इनमें से किसी को पहचानते हो? साहब ये तीनों कौन है मुझे नहीं पता, पर ये साली तो वो कल्पना है। कौन है ये? एक नंबरी सरदर्द है साहब, इतना दिमाग खाती है कि पूछो मत। मच 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 बस। ओ बेर, ओ भायो, दिवाड़ी नुसे लूटी लो। 50 रुपया में 150 रुपया में जीन पैन एकदम नया। पुराने कपड़े बेचती है सर सड़क पर। इस कल्पना का पूरा नाम क्या है? कल्पना पाठक करके कुछ है। अगर ये दो असली है तो पक्का है ये तीनों भी असली में होंगे। यानी सर, कुल मिला के बटुक परमार और उसका पूरा परिवार सच ही बोल रहे? दीपेश और पारुल का हृदय परिवर्तन इतनी देर बाद हुआ है जितनी देर में ये पांचों लाखों रुपए के साथ हजारों मील दूर चले गए होंगे। और सर, इतनी देर के बाद इन पांचों का भांडा फोड़ना, ये भी तो एक चाल हो सकती है। वक्त आ गया है, आपस में माल बांट लेते हैं और अपने अपने रास्ते नाप लेते हैं। हार्दिक और कल्पना सड़क पे अपना माल बेचते थे और बटुक परमार का भी ठेला लगता जो कि फिरोज चलाता। ये लो बटुक भाई, अच्छा मिलते हैं, सलाम। तो एक तरह से तीनों एक ही तबके के हैं। हो सकता है सर खुद बटुक ने इन पांचों को शामिल किया, या तो खुद के लिए या फिर अपने आका अरविंद पारिक के लिए। इस बटुक परमार पर नजर दुगनी कर। अरे तुमने जो अंदाजा लगाया था उससे कई गुना ज्यादा मारात लगा है।
હા આપણું આવું જ છે બોસ, બેઈમાની કે ધંધે મેં ઈમાનદારી પહેલા. જો સુનો, ઉસી હિસાબ સે તુમ્હારા ભી હિસ્સા રેડી કિયા હૈ. અબ જલ્દી બોલ, કહાં મિલના હૈ. બહોત જલ્દ હમે બટુક પરમાર કો ઇસ જુર્મ સે જોડને વાલી એક કડી મિલી, ઓર ઉસ કડી કા સુરાગ હમે બટુક પરમાર કે ફોન રિકોર્ડ સે મિલા. જય શ્રી કૃષ્ણ જગદીશ ભાઈ, ભાવેશ બોલું છું. ભાવેશ, ભાવેશ પરમાર. હા, અરે વો માર્કેટ મેં કિતના પૈસા કિસકે ઉપર લગાને કા, વો થોડા સા ટિપ દો ના. હવે આપો ને ટિપ, દિવાળી કા ટાઈમ હૈ, હાથ મેં થોડી લક્ષ્મી આયેગી તો અચ્છા હોગા ને. સહી ભાવેશ પરમાર બટુભાઈ પરમાર સે બરાબર બાત કરતા હૈ ફોન પર. કુછ નિકલા ઇસકે બારે મેં? હા સર, કુછ તો કનેક્શન હો સકતા હૈ. યે ભાવેશ પરમાર બટુભાઈ કા ભતીજા હૈ, સગે બડે ભાઈ કા બેટા. ઓર ક્યા હિસ્ટરી હૈ ઇસકી? ઇસકી તો લગી પડી હૈ મેડમ, શેર બજાર મેં ખેલતા હૈ, લોગો સે લોન લે લેકર એક હી ફટકે મેં સબ ડૂબા ડાલા. ફિર યે ભાવેશ બટુકભાઈ સે ઉધાર માંગને લગા, બટુકભાઈ ઉસે અરવિંદભાઈ કે પાસ લેકે ગયે. કઈ ફર્જી છાપે કા સૂત્રધાર યહી તો નહીં? ઉસી સે પૂછ લેના મેડમ, આપકે અંદાજ મેં. ચુપચાપ ઉઠા લો ઇસ ભાવેશ પરમાર કો, પહેલે સે મીઠાઈ ખિલાયેંગે, ફિર ભી નહીં બોલા તો ઇસે પિટાઈ ખિલાયેંગે. જરા પતા તો ચલે યે મેચ કા ઓપનિંગ બેટ્સમેન હૈ યા ફિર 12વાં પ્લેયર. હમે ઉમ્મીદ તો યહી થી કે ભાવેશ પરમાર કે મુંહ સે પૂરી ટીમ કે નામ અનાઉન્સ હોંગે જો હમારે સાથ ગેમ ખેલતે આયે. હમ પક્કા નહીં થે કે ક્યા યે કોઈ ગેમ થી બ્લેક મની કો ફાઇટ કરને કી. અબ ઇસ કેસ મેં કઈ હૈરત અંગેઝ પડાવ આને વાલે થે. દરઅસલ યે એક બહોત હી બારીકી સે રચી ગઈ સાજિશ થી. ઇસ સાજિશ કા રાજા કૌન થા, મોહરા કૌન, યે અભી સામને આના બાકી થા. 4 મહિને પહેલે 4 લાખ સે પેટ નહીં ભરા તો 1 મહિને પહેલે તૂને અરવિંદ ભાઈ સે ફિર સે 2 લાખ માંગી, સહી હૈ ના ભાવેશ? સહી હૈ. પહેલે બટુ કાકા ને ઇંતજામ કરકે દિયા થા, લેકિન દૂસરી બાર સાફ મના કર દિયા, બોલે અરવિંદ સેઠ સે ખુદ માંગ લો. ભાવેશ, પૈસો કી બાવડી નહીં હૈ મેરે આંગન મેં કે જબ દિલ કિયા ફેંક દી બાલ્ટી. અભી 3 મહિને પહેલે 4 લાખ દિયે થે ના. આપ ભી ધંધે વાલે હો, સમજો ના, ધંધા અચ્છા જમ રહા હૈ. અગર 2 લાખ રૂપે મિલ જાયેંગે ના તો મેરા ધંધા કહાં સે કહાં ચલા જાયેગા. સેઠ, આપકે સારે પૈસે ટાઈમ પે લોટા દૂંગા. ઉસકો તો મેં લેકર હી રહુંગા ભાવેશ, ઇસ વખત હાથ થોડા ટાઈટ હૈ, દિવાળી સર પર હૈ, રોકડા હૈ નહીં મેરે પાસ. યે જો તેરા ભતીજા હૈ ના, યે સહી આદમી નહીં હૈ. સિર્ફ તેરે કહેને પે મેને ભાવેશ કો 4 પેટી દી હૈ. મેને પતા લગાયા શેર બજાર મેં સટ્ટેબાજી મેં સારા પૈસા ડૂબો, કોઈ બિઝનેસ ઉસને શુરુ નહીં કિયા ઉસને. મુઝે તો જરા ભી અંદાજા નહીં થા અરવિંદ સેઠ. મેરી ચાર તો ધસ ગઈ, ઓર ઉપર સે હિંમત જોઈએ નહીં, ઓર 2 લાખ માંગ રહા થા મેરે. લેકિન સાહેબ, ભાવેશ ઇતના ભી બદમાશ નહીં હૈ કે આપને એ કાકા કે ઘર મેં એસે નકલી છાપા પડવાય. અબ કિસી કી શકલ સે કહાં પતા ચલતા હૈ કે વો કિતના બદમાશ હૈ, ખુદ કો હી દેખ લો. સબકા કહેના હૈ કે બટુક બડા સીધા હૈ, બડા ભોલા હૈ. તુમ્હારે સેઠ ભી યહી કહેતે હૈ ઓર લગતે ભી હો, લેકિન પૂરી પોસિબિલિટી હૈ કે અપને ભતીજે ભાવેશ કે જરિયે યે રેટ તુમને ડલવાઈ. પોલીસ વાલે તો પૂરા શકંપરી કરે, આપકા ઓર મેરા પીછા તો કરી રહે થે, અબ તો લોગ મમ્મી કા ભી પીછા કરે. યે લોગ તો દુકાન પર ભી નજર રખ રહે. મેને શાયદ બટુક કે પૈસે રખે ગલતી કર દી. સૌથી મોટી ગલતી તમે કરી પોલીસ પે કમ્પ્લેન કરકે. યે તો વહી વાલી વાત હો ગઈ ના કે આ બેલ ઓર મુઝે માર. એ એ એક મિનિટ એક મિનિટ એક મિનિટ સાહેબ, જો એક તો નહીં મેં યે બટુક કાકા કે ટીમ મેં હું, ઓર નહીં મેં અરવિંદ સેઠ કે ટીમ મેં, ઓર યે 5 લોગ કોન હૈ, યે ક્યા કરતે હૈ, મેરા ઇનસે કુછ લેના દેના નહીં હૈ. લેકિન લેન દેન તો લાખો કા હુઆ હૈ ભાવેશ, ઓર સટ્ટા બજાર મેં લાખો સિક્કો જૈસે ઉછલતે હૈ ઓર પાની જૈસે બહેતે હૈ. અગર મેરે હાથ લાખો લગ ગયે હોતે તો ક્યા મેં લલ્લુ જૈસે આપ લોગો કે હાથ મેં આ જાતા? અગર તું લલ્લુ નહીં હૈ ના તો લલ્લુ હમ ભી નહીં હૈ ભાવેશ. અબ સીધી તરહ સે બોલ, અરવિંદ ભાઈ ને અગર તુજે ઉધાર નહીં દિયા તો કિતને લાખ કા કમિશન દિયા ઇસ રેટ કે નાટક કો રચને કે લિયે? મતલબ કાશ યે બાત સચ હોતી, ઓર કાશ કમિશન નહીં, સારા કા સારા માલ મેરે હાથ મેં લગ ગયા હોતા. કમ સે કમ એસે ખાલી હાથ આપકે સામને બેઠ કર ગીડ ગીડ આના તો નહીં પડતા થા કે મેં બેકસૂર હું. સારે સસ્પેક્ટ પર સે નજર એક પલ કે લિયે ભી નહીં હટી, લેકિન શાયદ સબકો યે બાત માલૂમ થી કે ઉન પર હમારી નજર હૈ
और शायद इसीलिए वो लोग हर कदम सोच सोच कर रख रहे थे। हाँ भाई, जरा देखो तो आप इनको जानते हैं क्या? हमें अगला सुराग जो मिला वो इन्हीं पांच लोगों में से एक के बारे में था। अरे हाँ, तो राजू भाई जी, राजू भाई झाला। कौन से यार राजू भाई? ये राजू भाई चावी बनाता है, चावी बनाने का काम करता है, अपनी साइकिल पे ही पूरी दुकान लेके घूमता रहता है। चावी, चावी, एक पायरेटेड डीवीडी बेचने वाला, एक सेकंड हैंड कपड़े बेचने वाली, और ये एक चाबी बनाने वाला। ये बाकी दोनों भी कुछ ना कुछ बेचते होंगे सड़क पर, या फिर कारीगर होंगे। बिल्कुल साहब, कोई हिस्ट्री नहीं, मतलब इसी एक काम के लिए तो ये गैंग बनाई होगी, पूरी ट्रेनिंग की होगी। बस इतना है, उन्हें किसी अंदर वाले ने टिप दी होगी कि बटुक भाई के घर के कपाट के अंदर माल है। और जिसका ये दोनों अंदर वाले अरविंद पारेख और बटुक परमार धड़ल्ले से इनकार कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? मैं क्राइम ब्रांच से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रुचिका ठक्कर बोल रही हूँ। क्या काम है मैडम? पहले नाम तो बोल अपना, फिर मैं काम बोलती हूँ। हितेश। भावेश परमार को कैसे जानता है तू? मेरा मोटा भाई है। काम क्या करता है तू? अरे मैडम, आपने तो इंटरव्यू शुरू कर दिया, नाम बोला, अभी काम बोलो ने। सीधे आभानगर क्राइम ब्रांच ऑफिस आ जा, अभी के अभी, आधा घंटा देती हूँ तुझे। फिलहाल काम ढूंढने का काम कर रहा हूँ मैडम। मतलब बेरोजगार है, फिर तो पैसों की कमी भी होगी। कहीं आप बटू काका के घर पे हुई चोरी में मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं ना? ऐसा कोई कारण है कि मैं तुझ पे शक ना करूं? अरे क्या मैडम, खबर मिलते ही होश उड़ गए थे मेरे कि बटू काका के पास इतने पैसे थे। साला हमको ही कुछ दे दिया होता ने, ऐसा लुटाने के बजाय। वो पैसे तेरे बटू काका के नहीं थे। हाँ खबर पड़ी मन ने, वो अरविंद सेठ के पैसे थे। तुझे कैसे पता? भावेश ने बताया मुझे। मतलब तुझे पहले से नहीं पता था कि उस कबर्ड में पैसे हैं? अरे मैडम अभी तो बताया ने, भावेश ने बताया तब जाकर मुझे पता चला। उसके पहले ये कबर्ड और उसके अंदर के पैसे, इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था मुझे, यकीन कीजिए। यकीन करना तेरा थोड़ा मुश्किल है, शायद तू भी तेरे भावेश भाई के साथ मिलकर इन सब प्लान में शामिल हुआ। मेरा दूर दूर से इस सब से कोई वास्ता नहीं है, ना ही मेरा ना मेरे भाई का। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि तेरा भावेश भाई इन सब में शामिल नहीं है? मोटा भाई है मेरा। हाँ मानता हूँ बिजनेस में थोड़ा डाउन चल रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना क्रिमिनल है। 25 अक्टूबर को तू क्या कर रहा था? घर पे, बाहर था, याद नहीं है। तेरे जैसे डेढ़ शाणों को जब उल्टा लटकाते हैं ना, तो पिछला जन्म भी याद आ जाता है। हाँ तो लटकाओ ने मैडम, मुझे भी तो खबर पड़े पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जो इस जन्म में पनौती चल रही है। बारी बारी से इस हितेश की एक एक मूवमेंट पे नजर रखो और एक एक घंटे की रिपोर्ट लाके मुझे दो। जी मैडम। शाना है, थोड़ा समझदारी से एक सेकंड के लिए भी नजर से उझल ना हो पाए। भावेश और हितेश तुम्हारे चचेरे भाई, कैसे रिश्ते हैं उनसे? अच्छे हैं सर, मतलब एक दूसरे घर में आना जाना होता है। कभी बात बात में उनके सामने मुंह से निकल गया घर में जो बंद अलमारी पड़ी है उसमें इतने ज्यादा पैसे? नहीं सर, नहीं। तुम दोनों को मालूम था कि उस अलमारी में इतने ज्यादा पैसे? वो हमें अंदाजा था, लेकिन हमने कभी उस बारे में बात नहीं की। कभी आपस में भी बात नहीं की है। खुशखबरी है साहब, बाकी दोनों पंटोरों का पता लग गया और उस हार्दिक डीवीडी के घर का भी पता लग गया। इसका एड्रेस मैसेज कर और सुन गोविंद, हिलना मत वहां से, मैं पहुंच रहा हूं। लो, मैंने तो पहले ही कहा था ये कबाट आफत है, आफत। अबे जो उन्हें शूट है गर्ल। हसमुख भाई का भी फोन था, कह रहे थे भावेश और हितेश दोनों को पुलिस रगड़ रही है। हितेश को तो रोज हाजिरी लगाने बोला है थाने में। ये रमन प्रजापति है, मेरे लड़कों ने पता लगाया। ये करता क्या है? कबड्डी है साहब। डब्बा बाटी पस्ती बड़ो।
ये पुराना रद्दी पेपर वालों, ये अमीर सैयद, ये लिम्बायत में इसका अंडा पाव का ठेला है। मतलब एक तरीके से सबके सब ठेले वाले ही हुए। भटुक परमार के तब के गए? हाँ, ऐसा बोल सकते। इस हार्दिक गोयल का घर कौन सा है? यहाँ से दूसरी गली है, लेकिन इस वक्त बंद है। अरे क्या आपने? नमस्ते साहब। तुम्हारा ही भाड़ुआ हार्दिक गोयल अकेला रहता है यहाँ? रहता था साहब, और हाँ अकेला ही था। कहाँ से है ये? एक बार बातों बातों में उसने कहा था कि वो राजकोट की तरफ से है। कुछ बोला? घर छोड़कर क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं बोला, पर आप भाई जो कहो वो सुनकर तो मेरा हार्टफेल होने ही वाला था। कुंदन भाई ताला खोलो, साहब अंदर देखेंगे। सबको सबमिट कर गए? साहब उसके पास ज्यादा सामान था नहीं तो वो ले गया होगा। तो ठीक 26 अक्टूबर को घर खाली कर गया? 25 को जब मैं घर पे था तो हार्दिक आया था मेरे पास। ये आपके घर की चाबी? हम अचानक हार्दिक राजकोट लौट रहा है क्या? नहीं नहीं, सूरत के बाजू में एक नए काम की बात चल रही है ना, तो वही काम पक्का करने जा रहा हूँ। अरे क्या है ना, DVD का धंधा कर करके ना मजा नहीं, अभी कुछ ढंग का करना पड़ेगा ना। यहाँ तो बहुत सारी बात है, लेकिन जा कहाँ रहा है? अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सीधे मुंबई। कितना पूछते हो? मजा कर रहा हूँ, एक बार सब पक्का होगा ना बाद में सब बता दूंगा। चलो। अगले दिन जब वो चाबी देने आया तब भी उसने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो, कभी किसी को देखा हो रूम पर आते हुए, खासतौर से इस लड़की को? मैंने पहले इनको कभी नहीं देखा। तुम किसी भटुक परमार को जानते हो? नहीं साहब। एक पायरेटेड DVD वाला, एक सेकंड हैंड कपड़ा बेचने वाले, एक कबाड़ वाला, एक चाबी वाला और एक अंडापा वाला, ये पांचों मिलकर लाखों का चूना लगा गए और कोई हिस्ट्री नहीं। सूरत में भी नहीं मिली सर, राजकोट भी डिटेल्स भेजे, लेकिन अब तक वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये पांचों सड़क पर अलग अलग धंधे करते थे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, पर फिर भी क्राइम ब्रांच की एक्टिंग, IT वालों की एक्टिंग कैसे? ये सारे के सारे भटुक परमार के तबके के ही हैं सर, उसी ने ट्रेनिंग दी होगी। और ये भी हो सकता है सर, परिवार को कुछ पता ही ना हो, ये बटुक सोलो खेल रहा हो। ये अरविंद पारेख और उसका बेटा धीरज पारेख, इनका भी मकसद तगड़ा है। सर ये गैंग सोलो सिंगल खेल गया हो या मिक्स डबल खेल गया हो, या ये सब के सब एक ही टीम है और मिलकर हमारे खिलाफ खेल रहे हैं। जो भी है अभी तक तो हर गेम यही जीत रहे हैं। सर हितेश ट्रैकिंग में कुछ काम का निकला है। जल्दी बोलो रुचिका, हमें इस केस में अब ब्रेक थ्रू मिलना ही चाहिए। सर ये फोटोज। सर ये है नवीन मकवाना, ये है सूरज जेठवा, और ये दोनों हितेश के काफी अच्छे दोस्त हैं। ये हितेश क्या करता? और ये दोनों? सर हितेश और उसके ये दोनों दोस्त जुवारी हैं, पत्ते क्रिकेट में सट्टा, इसमें ये तीनों अक्सर पैसा हारते रहते हैं। मतलब यूं कहिए कि जुए में ये तीनों मैट्रिक फेल है। और अभी ग्रेजुएट हो गए हैं ये कांड करके। सर इस हितेश परमार का मैंने 3 दिन पीछा करवाया, इसे यहाँ बुलाती रही पूछताछ करने के लिए, ये देखने के लिए कि अपने बयान को कितना चेंज करता है। सर एक बात सामने आई, यहाँ से निकलते वक्त ये हितेश परमार एक खास तरीका अपनाता है। सर जब जब ये हितेश परमार यहाँ आता है पूछताछ के लिए, सबसे पहले ये अपना फोन स्विच ऑफ करता है, और यहाँ से निकलते ही फोन ऑन करता है और इसकी बात शुरू हो जाती है लगातार। तो सर मैंने इमरजेंसी बेसिस पे इस हितेश परमार के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। 3 दिन थाने से निकलते ही नवीन मकवाना को कॉल करता है। कुछ तो झोल है, तगड़ा गड़बड़। आई थिंक हमें इन तीनों को उठाना चाहिए और खूब कूटना चाहिए। इन तीनों के ऊपर सरप्राइज अटैक करते हैं, सीधा रेड। उनसे कहते हैं कि हमारे पास उनके खिलाफ ठोस सबूत है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो लोग कुछ भी जानते हैं तो इस केस में हमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है सर। साहब पहली बात तो ये कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, और दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है।
क्योंकि हमें लगता है कि बटुक परमार के घर जो नकली रेट डाली गई इनकम टैक्स के, जिसमें लाखों लूटे गए, उनमें से एक हिस्सा तेरा भी है। और इस बात के हमारे पास ठोस सबूत है। क्या? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम आज सोचे, हाँ जितनी बार आपने बुलाया उतनी बार इधर आया मैं ईमानदारी से। हर बार आपने वही 5 स्केच दिखाए। मैंने कितनी बार बोला कि मैं नहीं जानता हूँ इन लोगों को। लेकिन नवीन मकवाना तो कह रहा था कि तू जानता है उन 5 को। नवीन ऐसा क्यों बोलेगा, मैं जानता ही नहीं उन लोगों को। थाने से बाहर निकलते ही हितेश अपना फोन स्विच ऑन करता था, और फिर तुम्हें क्या बोलता था? पुलिस सिर्फ उन 5 पर शक कर रही, हम सेफ है। ये हम सेफी का क्या मतलब साहब? मैं, हितेश और सूरज अच्छे दोस्त है, रोज फोन पर बात होती है। हमने वाकई में कुछ नहीं किया है। साहब आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मुझे रेट वेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। सूरज बता दे, नवीन मकवाना और हितेश परमार को क्या हिस्सा मिला, और सबसे बड़ा हिस्सा किसके हिस्से में आया? हार्दिक, कल्पना, रमन, राजू, आमिर सब ने तुम्हारा नाम लिया। और रही हार्दिक की बात, उससे तो तेरा डायरेक्ट कनेक्शन। साहब ये नामुमकिन है। क्यों, क्या लगता था तुम्हारे दूसरे फोन के बारे में हमें कुछ नहीं पता? हम सबके फोन हमने टैप कर रखे, तेरी और हितेश की जितनी भी फोन पर बात हुई है ना सब रिकॉर्डेड है। उस रिकॉर्डिंग में वो साफ साफ कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि पुलिस की तफ्तीश अब ठंडी पड़ चुकी, वो हार्दिक तक तभी नहीं पहुंच पाए। साहब आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। कैसी बात है? ऐसे जैसे रोज बात होती है। हितेश बोल रहा था क्या हुआ क्या नहीं, क्यों उसे बुलाया जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं। साहब हितेश झूठ बोल रहा है। तू तेरे और नवीन के बीच की बातों की रिकॉर्डिंग सुनाऊं? मैं सुनाऊं? हमने तुक्का फेंका था, सही में तुक्का, लेकिन तुक्के से ही तीर सीधा निशाना चीर गया। एक बात पहले ही बता दो, प्लान पूरा बताना, आधा अधूरा नहीं, समझे? चलो हो जाओ शुरू। कसम से बोल रहा हूँ साहब, हमें रेड वेट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हम तो बस चोरी का सोच रहे थे। चोरी का प्लान था? प्लान था साहब, लेकिन फेल हो गया। हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ बोल हितेश, शू थू? यार नवीन अपना प्लान का रॉकेट तो फुस हो गया यार, उड़ा ही नहीं। कोई और 5 लोग आए, पास उतरी बॉम्ब फोड़ के चले गए। अरे हाँ मैंने खबर पड़ी यार कि 5 लोग थे फर्जी रेड में, लेकिन साले थे कौन? अरे 5 लोगों के हाथ से बनी फोटो दिखाई मन ने, जो कोई हार्दिक गोहिल करके है और उसके साथ एक लड़की है कल्पना पाठक, और राजू करके कोई है, साथ में 2 लोग और भी हैं, पर पुलिस को उनके नाम नहीं मिले अभी तक। यही तो बात होती थी ना हमारी साहब, हम तो बस प्लानिंग में ही रह गए, और कोई और चिड़िया खेत चुककर उड़ भी गई। हम ये कबूल करते हैं कि हमने इसके बड्डू काका के घर को लूटने का प्लान बनाया था। हितेश आज 6ठा दिन है हम यहाँ लुक्कों की तरह बैठे, तेरी दादी का गोन लगा कर बैठी है क्या घर में? हर साल दिवाली पर दादी लोगों के घर मिठाई और फरसान बनाने जाती थी, इस साल ही दादी को रिटायर होना था। हम लोग ना आराम से अंदर जाते, उसके बाद जाके ना हम और नवीन दादी को बातों में लगा के रखेंगे। तू अंदर जा, कबाड़ तोड़, माल निकाल, लेके फुट ले, क्या बोलते हो? तो घंटा चाहिए बात नहीं कर, अंदर जाते हैं माल निकालते और फुट लेते हैं, सारा शक हम पे ही आएगा, हम पकड़े जाएंगे। मैं 17 अक्टूबर को बटू काका के घर गया था, कबाड़ की फोटो खींची, चाबी बनवाने वाला था ताकि तोड़ना वड़ना ना पड़े। ओ हितेश अभी दिवाली है, मकर संक्रांति बहुत दूर है, पतंग जरा खींच के रख, इतनी ढील मत। साहब लेकिन हितेश ने तो मुझे चाबी वाली बात बोली ही नहीं थी। हाँ साहब, और इसने मुझे भी नहीं बताया था ये बात। सर शायद ये तीनों अब भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये लोग हमें इसी तरह गोल गोल घुमाते रहेंगे, हमसे बातें करते रहेंगे, और इस सब से बच कर निकल जाएंगे। हमने घुमाना शुरू किया ना तो तुम लोग झेल नहीं पाओ। साहब सच बोल दिया जो भी था। तब तो तू झूठ बोला था, जब मैंने पूछा था कि तुझे कैसे पता कि कबर्ड में पैसे पड़े, तब तो तू बड़ा गाय बन रहा था।
बोला मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब बता कैसे पता कि कबर्ड में पैसे पड़े थे? ये लूटने का आइडिया किसने दिया था? और ये किसने कहा कि तुम्हारे बटुक काका अली बाबा है और उनके घर में खजाना है? भावेश ने बताया नहीं। अरे हितेश, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे होने तो चाहिए। ए भावेश, बटू काका ने जो तुझे दिलाए थे अरविंद सेठ से चार पिटी, उसका क्या? अरे वो तो सट्टे में चले गए, डूब गए साले। अरे लेकिन तू कल ही तो रोकड़ा लेके आया था ना उनके यहाँ से। क्या लेकर आया था? और अगर लेकर आया भी था तो तुझे क्यों दूँ? लौटा दूंगा फटाफट। आपने भाई? हितेश, मैंने बट्टू काका से पैसे मांगे थे लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। वो बोले अरविंद सेठ से जाके मांग ले। अरे अरविंद सेठ से मैंने खुद फोन पर बात की, उनका भी जवाब वही था। यहाँ मेरे लगे पड़े। और अच्छा हितेश, सांभर दे, तू जाके बट्टू काका से थोड़े पैसे मांग लेना और अगर तुझे मिल जाए ना तो थोड़े मुझे भी दे देना। अरे लेकिन वो क्यों मिलवाएंगे मुझे अरविंद सेठ से? अरे अरविंद सेठ जाए तेल लेने, बट्टू काका के खुद के पास बहुत सारा रोकड़ा है। शू बात करे छे, गांडो थई गयो छे तू। अरे उनके घर के अंदर के कमरे में वो बंद कपाट है ना, उसमें तगड़े नोट है किलो के हिसाब से। भाभी उसको कैसे पता चला कबाड़ में पैसे है? अरे काका, आप ही ने बोला होगा ने। लेकिन वो पैसे मेरे नहीं है। मालूम है, आपके होते तो खैर। काका 10-20 हजार दो ने, लौटा दूंगा जल्दी। सुनाई कम देता है तो कान में तेल डाल। वो पैसे मेरे नहीं है, अरविंद सेठ के हैं। कबाड़ भी उनका है, ताला लगा है, चाबी भी उनके पास है। चाबी बनाने में कितना टाइम लगता है काका? नाम बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है हितेश। ईमानदारी से कुछ काम कर, और ऐसी फालतू बातें करना ही मत, सोचना ही मत। अब भी झूठ? सच है साहब, सब कुछ सच सच बोल दिया ने। हमने लूटने का प्लान बनाया लेकिन लूट नहीं पाए, वहां भी किस्मत खोटी साली। पहले हितेश, नवीन और सूरज मिलकर लूटने का प्लान बनाते, फिर अरविंद पारे के घर पर असली रेड होती और बटुक परमार के घर पर नकली, और फिर अलमारी साफ। ये इत्तफाक तो नहीं हो सकता सर। ये तीनों अब भी कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो बहुत बड़ा झोल है इनमें। वो हितेश, ये कबाड़ का फोटो लिया, चाबी बनाने वाला था, सब तू क्या फेंक रहा था अभी अभी? गांडो चाहे फेंका नहीं रे, सच में सोचा था। अरे सर, हम लोग को क्यों नहीं बताया तू? बताने से पहले कांड हो गया ना, फिर क्या बताता? ये लोगों का चोरी का प्लान हर बार फेल हो रहा था, तभी अरविंद पारे के घर हुई असली रेट के बारे में इनको पता चला होगा, आइडिया आया होगा नकली रेट का। और उन पांच लोगों की गैंग शायद इन्होंने ही तैयार की होगी, शायद ट्रेनिंग भी इन्होंने ही दी होगी। पांचों को ना सही, इनमें से कम किसी एक को तो तैयार किया ही गया होगा, जो इस ग्रोह का लीडर हार्दिक गोहिल। 50 रुपया धंधे के टाइम खोटी मत कर। हाँ तू जा यहाँ से। धंधे की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग करेगी। डीवीडी का धंधा छोड़ के तू फिल्म बनाएगा? फिल्म नहीं बनाने वाला हूँ, रुपया छापने वाला हूँ। हाँ वो भी जैसे वैसे नहीं, हुए छोटे मोटे नहीं, तगड़े रुपए हैं, सॉलिड। इनकम टैक्स अफसर की एक्टिंग। हार्दिक भैला, तूने कभी मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा है कि नहीं? रमन, ढंग के कपड़े पहनेगा और कम बोलेगा ना तो निकल जाएगा अफसर के रोल में। भाई ये हमारू काम नहीं, फिल्म की स्टोरी लिख रहा है के? स्टोरी नहीं, अपनी तकदीर लिख रहा हूँ। तू बोलनी, तेरी तकदीर भी लिख देता हूँ। डुप्लीकेट ओरिजिनल के बिना नहीं बनती है ना हार्दिक, अब बिना ओरिजिनल के कैसे बनाऊंगा? ये राजू, लोगों की ओरिजिनल चाबी खो जाती कि नहीं? इसी में तो अपनी सबसे ज्यादा कमाई है ना भाई, लेकिन उसके लिए पहले दरवाजा देखना पड़ेगा, पछी ताला देखना पड़ेगा, पछी माप लेना पड़ेगा, नहीं पछी चाबी बनाना पड़ेगा। कबाट है कबाट, और बाहर कोई ताला है ही नहीं, कबाट के अंदर ताला है। तोड़ फोड़ नहीं करने का, एकदम नजाकत से दरवाजा खोलने का और निकल जाने का। डाका वाका डालने का प्लान तो नहीं है? नहीं, डाका कौन डालते, चोर लोग। हम लोग तो अफसर लोग है, अफसर लोग। ये पुलिस की वर्दी पहन के किसी से हफ्ता वसूल करने का क्या? एक बार हफ्ता वसूल करेगा तो जिंदगी का एक हफ्ता बदलेगा। ज्यादा से ज्यादा तू देसी की जगह पे विलायती पिएगा। बे आमिर, थोड़ा हाइट से ऊपर का सोच, बड़ा बड़ा सोच। बड़ा बड़ा बोले तो कितना बड़ा? एक ही झटके में सारी जिंदगी की कमाई अंदर। देखो इसमें हॉलीवुड की पिक्चर भी है और इसमें बॉलीवुड की पिक्चर भी है, एकदम ध्यान से देखना। ए हार्दिक, क्या धंधे के टाइम पे तू पिक्चर दिखा रहा है, वो भी नौटंकी सीखने के लिए? पैसे देगा इसके? अरे पैसे कमाने के लिए तो दिखा रहा हूँ, ये देखेगी तभी एक्टिंग सीखेगी ना। देखकर सीखना क्या है? वैसे नागिन डांस ना
मैं सब हीरोइन से अच्छा करती हूँ, करके दिखाओ। बचा के रखा, छापे के बाद पार्टी में कर लेना। ए हार्दिक, लेकिन ये छापा कैसे पड़ता है हमको किधर पता है? अरे ये देखेंगे और सीखेंगे छापा कैसे पड़ता है। इन लोगों ने टीम बनाई होगी, फिर रेड डाली होगी, फिर सोचा होगा कि ये कंप्लेंट ठोक देते, रिकॉर्ड में रहेगा। और उसके बाद हर कोई नौटंकी किए जा रहा है, कहानियां पे ले जा रहे हैं। ये तीनों, हितेश, नवीन और सूरज, हमें अपने गोलमाल में गोल गोल घुमा रहे हैं। अब थोड़ी सर्कस जरा हम भी इन्हें दिखाते। तोड़ो इन तीनों को, अच्छी तरह से तोड़ो। इस लूट का प्लान इन तीनों ने आगे किया होगा, अब इस केस का ब्रेक थ्रू भी हमें ये तीनों से मिलेगा। हितेश, नवीन, सूरज, उठो। एक तरफ हम हितेश और उसके साथीदार नवीन और सूरज के साथ निपट रहे थे और दूसरी ओर मामला और गरमा रहा था। बटुक कहाँ छे? जय श्री कृष्ण हसन भाई। बटुक, चोरी तेरे घर में हुई है और घर मेरा उजड़ रहा है, वो पुलिस हितेश से मिलने भी नहीं दे रही है। पर हसमुख भाई, बुरी नजर तो रखी थी ना हितेश ने, और हम क्या यहाँ मजे में है? पुलिस हम पर भी तो शक कर रही है ना। और बापूजी, हमने कभी भावेश भाई और हितेश भाई का नाम भी नहीं लिया। बात समझाओ ना इन्हें, केस पाछो ले ले। अरे पैसा तो अरविंद भाई का था, उन्होंने बेवकूफी की यहाँ रखने की, लेकिन फंस गए हम सब ना बेकार में। हसमुख भाई, केस वापस लेने का क्या मतलब है? केस मैं थोड़ी करी हो छे, अरविंद भाई ये करी हो छे। तो अरविंद भाई ने समझा रहे, दिवाली के माहौल में पूरी मनहूस छाई हुई है और मेरा बेटा वहां जेल में सड़ रहा है। अरे बटुक, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पुलिस तो अपना काम करेगी ही ना। और पता चला ये हितेश तो तुम्हारे घर लूटने वाला था, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है हितेश। और ऊपर से पुलिस तो मेरे पर ही शक कर रही है कि मैंने फर्जी रेट करवाई है ये तुम्हारे भतीजे भावेश और हितेश को कमीशन देकर। अरविंद सेठ, सबसे बुरी दिवाली साबित हो रही है, हमारे दोनों घर में दिए नहीं, आग जल रही। अब ये आग सिर्फ पुलिस ही बुझा सकती है, बीच में पड़ोगे तो आग में तेल डालने जैसा होगा। मैं ये केस वापस नहीं ले सकता। हसमुख भाई, वो अरविंद सेठ कह रहे हैं कि केस वापस नहीं ले सकते। मैं सब समझता हूँ बटुक, तुझे अरविंद भाई की पड़ी है, लेकिन अपने भाई भतीजे और अपने परिवार की नहीं पड़ी। कहीं छापा तो तूने नहीं पड़वाया? बस मेरे बेटे को फांसने के लिए बस यही बाकी था, आप भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये सब ना बटुक भाई ने ही करवाया, पहले लूट का प्लान बनाया, तब क्या करता, कह देता कि घर में चोरी हुई है, फिर उससे भी आगे का सोचा, अच्छा ड्रामा रचा कि रेड पड़ी है। वो तो अच्छा हुआ कि वो पुलिस ने हितेश को पकड़ लिया, वो हितेश है ना 100% भागीदार है बटुक भाई के साथ ये सब में। अब जब पुलिस सब सच उगलवाएगी ना, तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देखना। जो लीड हमारे हाथ लगी थी और जिस दिशा में हमारी तहकीकात आगे बढ़ी थी, वो लीड भी सही थी और वो दिशा भी सही थी। वक्त जरूर लगा, उन्होंने हर तरह की कहानियां बनाने की कोशिश भी की, पर आखिरकार सच के दबाव जैसा कोई दबाव नहीं। सर, मैंने चोरी का प्लान कबूल किया नहीं, ये काफी नहीं है क्या? हाँ, कैसे काफी होगा, चोरी नहीं हुई है, छापा पड़ा है, फर्जी छापा, ना तो पैसे वापस आए और ना ही छापा मारने वाले। पर छापे का प्लान हमारा नहीं था ने साहब। तो फिर किसका था बोल, तो उन 5 लोगों को अच्छी तरह से जानता है हितेश? नहीं साहब नहीं, मैंने तो 26 तारीख को खबर पड़ी रेड के बारे में। अच्छा, कैसे, हमने तो कोई इश्तेहार नहीं दिया था। नवीन से। फिर से बोल। नवीन से। क्या बोला? नवीन ने बोला कि बट्टू का घर में रखे हुए पैसे लूट लिए गए और हम तीनों को भी हमारा हिस्सा मिलेगा। लूट हो गई, क्या बात कर रहे हैं नवीन, कैसे लूट हो गई? अरे तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? हम तीनों को हिस्सा मिलने वाला है इसमें। कौन देने वाला है हिस्सा? अरे बोलना, कौन देगा हिस्सा? फिर बाद में मैंने खबर पड़ी कि काका के घर में नकली रेड हुई, फिर मैंने 2 और 2 मिलाया। अब तो सारा किया कराया नवीन के माथे मर रहा है। नहीं नहीं, नवीन के सर नहीं मर रहा हूँ, आप सूरज से भी पूछ लीजिए, नवीन से हम लोगों ने कितनी बार पूछा, उसने कैसे 5 लोगों को खड़ा किया, कैसे छापा पड़वाया, अब तक उसने कुछ नहीं बताया। देख नवीन, इस हितेश की तो हमने हवा टाइट कर दी, अब अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया ना, तो तेरी भी हवा ऐसी टाइट करेंगे कि जिंदगी भर याद रखे। साहब लेकिन मैंने छापा नहीं मरवाया। एक बात समझ ले, यहाँ पे कोई वॉलीबॉल का मैच नहीं हो रहा जो एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे हो। सब कुछ सच सच बोल दे, कोई भी कहानी बनाई ना
इस बार दिवाली पे बम नहीं, तुम दोनों को फोड़ेंगे। अब मैं उन पांचों को नहीं जानता साहब। मैं बोलता हार्दिक गोयल को मैं जानता हूँ साहब, लेकिन मेरे उससे बात सिर्फ लूटने की हुई थी, छापे वापे की बात नहीं हुई उससे साहब। क्या फायदा तेरे पिक्चर का एक्सपर्ट होने का हार्दिक? कोई पिक्चर में ऐसा कोई तो आइडिया दिखाया होगा ना घर लूटने का। तू बिल्ला मैंने किए कि कबाड़ में पैसे कितने? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि वो पैसे अरविंद सेठ के, जिनका पार्ले पॉइंट में ज्वेलरी का शोरूम है। बहुत कड़क पार्टी है यार, जौहरी लोग है, पैसा हजारों में तो होगा नहीं। उनका दिन का गल्ला है ना लाखों रुपए का। लक्ष्मी माता के चरणों में पहुंचने के बहुत सारे रास्ते दिखाए गए पिक्चर में। एक तरीका है जमीन में सुरंग करके, दूसरा तरीका है डायरेक्ट पाइपलाइन से जो कबाड़ में निकलती हो। लेकिन सोचना पड़ेगा, बाद में बोलता हूँ। साला हार्दिक, आइडिया या कोई प्लान लेकर सामने आया ही नहीं, मुझे लगा डर के मारे ठंडा पड़ गया होगा। फिर सीधे 26 तारीख को उसका सामने से फोन आया। तुमने बोला था उससे कई गुना ज्यादा हमारा हाथ लगा है, तो अरे भाई उसी हिसाब से तुम्हारा भी हिस्सा रेडी किया है। जल्दी बोलो कहाँ मिलना है। सुबह सुबह देसी दारू के नशे में तो नहीं है ना हार्दिक? ये करा रे, बड़े बड़े नोटों का नशा चढ़ा हुआ है। सुनो, घर तुमने दिखाया था ना, इसलिए एक हिस्सा तो तुम्हारा बनता ही है। आज के आज मिल और अपना हिस्सा ले ले। कॉन्ग्रेचुलेशन बे नवीन, क्या टिप दी थी भाई। ये ले, तेरे हिस्से का 7 लाख बनता है। हैप्पी दिवाली। सुवाच हार्दिक, कैसे रीते कर रहे ऐसे? हार्दिक ने कभी बताया नहीं कि उसने कैसे किया, ना मैंने हितेश और सूरज को बताया कि कैसे हुआ। बस ईमानदारी से बता दिया कि हमें 7 पेटी का हिस्सा मिला है, जिसे हितेश और सूरज थोड़ा थोड़ा करके लेते रहे मुझसे। फिर जैसे ही आप लोगों ने हितेश को पकड़ लिया, तो हितेश ने मुझे फोन किया और बोला कि वो अपने हिस्से का पैसा बाद में लेगा। तो हितेश यहाँ पे हर रोज आने से पहले अपना फोन स्विच ऑफ क्यों करता था? ताकि जब वो यहाँ हो, हम उसे गलती से फोन ना कर ले, कुछ पूछ ना ले उससे। तेरे फोन रिकॉर्ड्स में हार्दिक को किए हुए कॉल्स हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? क्योंकि सब इस पूरे काम के लिए मैं दूसरा फोन इस्तेमाल कर रहा था। हार्दिक गोयल कहाँ मिलेगा? बस इतना जानता हूँ कि उसकी माँ अहमदाबाद रहती है। बोलो भाई, कौन जी है? एक फिल्म की DVD चाहिए। चोरी वोरी की होगी तो भी चलेगी। हॉलीवुड है कोई? अच्छा, ऐसी कोई चकाचक फिल्म है आपके पास जिसमें वो नकली छापा पापा मारा जाता है घर पर? आप लोग कौन है? क्राइम ब्रांच असली। 40 लाख? हाँ सर। हार्दिक कह रहा है कि उसने 2 लाख खर्च कर दिए। सर हार्दिक ने 7 लाख रुपए दिए नवीन मकवाना को, टोटल हो गया 49। मतलब सर सिर्फ 11 लाख बटे इन चारों के बीच में। ये हार्दिक फर्जी टीम के ड्रामे का हीरो है। कल का जरा इसी से पूछते हैं कि आखिर ये गणित है क्या। सलाम साहब, सबसे पहले तो सॉरी साहब, आपके डिपार्टमेंट का नाम यूज किया है। कोई बात नहीं, उसकी ठुकाई अलग से होगी और रसीद भी कटेगी। बैठ। पहले ये बता कि तेरी पिक्चर की हीरोइन कल्पना और ये तीनों साइड हीरो रमन, राजू और आमिर, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? इधर ही होंगे साहब, सूरत में ही। थोड़ा आगा पाछा देगी यहाँ से, इतना तगड़ा माल हाथ लगाया तो थोड़ी बहुत ऐश तो बनती है ना साहब। तो तुम लोगों की ये ऐश हो कहाँ रही है, हमको भी तो बता दे। कुल मिलाकर 1,97,00,000 बरामद हुए, कुछ लाख इन लोगों ने उड़ा दिए, और सर बटुक परमार और उसकी फैमिली के मोबाइल भी मिले। अदर टोटल रकम जो लूटी गई वो थी 2,17,00,000 रुपए, और अरविंद पारेख ने हमें क्या बताया? मैं 60 लाख। खुद के पैसे गिनने में इतनी बड़ी गलती? पापा, पूरी गैंग पकड़ी गई क्या? हाँ दिख रहा, और लगभग सारा पैसा भी बरामद हो गया। हितेश को हिस्सा मिला उसके दोस्त नवीन से,
उसे सब पता था, तुम दोनों को भी पता था। सो बात करो जो पापा, कबाट में इतने सारे पैसे, मुझे तो नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था पापा। अरे मुझे तो सोचकर ही चक्कर आ रहा है कि हमारे घर में उस कबाट में 2 करोड़ जितने रुपए पड़े थे, तुझे पता था? नहीं बा। अरे शुक्र मनाओ कि फर्जी छापा था और हमें बेवकूफ बना के चले गए, लेकिन असली लुटेरे चोर आते थे तो 2 करोड़ रुपए के लिए हम सबको खत्म कर देते थे, समझे? इसमें कोई शक नहीं कि इस पिक्चर में लीड रोल तेरा था, पर कहानी भी तो किसी ने लिखी होगी ना, कोई डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उनका नाम भी तो सामने आना चाहिए ना। सब सिर्फ स्टोरी का आइडिया नवीन का था कि अरविंद सर का काफी माल बटुक भाई के घर में पड़ा है, उसे लूटना है, बाकी पूरी पिक्चर वन मैन शो। कैसे कर लिया? किसी के असिस्टेंट थे या फिर कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली? ट्रेनिंग कहाँ परवड़ेगी साहब, गॉड गिफ्ट। एकलव्य की तरह सारे गुरुजनों की सब पिक्चर देखी, एकदम एक एक सीन बराबर से याद किए कि बटुक भाई को कैसे लूटना है और बिना किसी खून खराबे के। और ये इनकम टैक्स का आइडिया ये किसने दिया? साहब मैं बटुक भाई और अरविंद सेठ दोनों का पीछा कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तब अरविंद सेठ के यहाँ पे सचमुच इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो उसकी खबर मुझे लग गई। मैं इंतजार कर रहा था अरविंद भाई का कि कब वो नीचे आएंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं। वो सब साहब लोगों की मैंने बातें भी सुनी, वो लोग बोल रहे थे ना घर के छापे से कुछ हाथ आया ना उनकी दुकान के छापे से। ये छापे का आइडिया एकदम सरस लगा, लूट बूट से कई गुना आसान और मजेदार भी। सर फिर मैंने कास्टिंग की अपने आजू बाजू के लोगों में से, तो ये 4 न्यू कमर्स मिले जिनमें भूख थी कुछ कर दिखाने की, तो मैंने मेहनत की इन लोगों पे। ये नालायक बाहर जा। सारी टीम को छापे के लिए पूरी तरह से तैयार किया, अब हम बिल्कुल तैयार थे एक्शन के लिए। मेहनत रंग लाई साहब। बटुक भाई को साथ में ले जाना, ये भी तेरी स्क्रिप्ट में लिखा था क्या पहले से? हाँ साहब, हार्दिक ने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया था और चाबी पिलाई थी बटुक भाई को। तुम लोग बटुक भाई को जिस रास्ते पर लेकर गए थे, बटुक भाई ने वो रास्ता दिखाया, मैं एक चाय वाली मिली और उसने कहा कि तुम लोग वहां नहीं आए थे। वो चाय वाली भी तेरी एक्टर थी क्या? फर्जी चाय वाली? नहीं साहब, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। फर्जी चाय वाली? अरे हमने तो गाड़ी असली चाय वाले के पास रोकी थी ने। किस रूट से गए थे तुम लोग, गाड़ी किसकी थी? जिस रूट पर हार्दिक गोहिल और उसका गिरोह हमें लेकर गया वो बटुक के बताए रूट से बिल्कुल ही अलग था। जिस चाय की दुकान पर वो रुके थे वो बटुक की बताई गई चाय की दुकान से काफी दूर थी। इस फर्जी छापे के ऑपरेशन में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो किराए की थी, हमने उस गाड़ी को हिरासत में ले ली। बटुक जी, आपने हमें जो जो बताया था सब सही था, लेकिन जो रास्ता बताया था वो रास्ता सही नहीं था। गलती से हुआ होगा साहब, मैं इतना डरा हुआ था ना, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला साहब। आपने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आपके सेठ ने, अरविंद सेठ ने जरूर झूठ बोला। टोटल कलेक्शन 2 करोड़ 17 लाख, उसमें से 7 लाख दिए राइटर नवीन को और बाकी की पूरी रकम पूरी यूनिट में बांट दी। बोलो ना भाई, किसको कितना मिला? हाँ साहब, ये हार्दिक टपोरी और चिरकुट है लेकिन ईमानदार है साहब, सबको बराबर दिया साहब। हाँ साहब, सबको बराबर मतलब 42? हाँ साहब, पूछो ना इनको, दिया नहीं है? हाँ साहब, पूछो कौन साहब। देखो, एक तो किसी को मारा बारा नहीं, बराबर, कोई खून खराबा नहीं, ऊपर से ब्लैक मनी, हम लोगों ने 5 हिस्से तो किए ही थे, आप तीनों को मिला के 8 हिस्से कर लेते हैं, आपकी दिवाली भी हैप्पी हो जाएगी, मान जाओ ना साहब।
लक्ष्मी जी की सौगंध खा के कहता हूँ हम पांचों में से कोई मुंह नहीं खोलेगा। नहीं 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 खोलेंगे सर, नहीं। हार्दिक, तुमने क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स वालों की एक्टिंग बहुत अच्छी की और सबसे करवाई भी। अब ना तुम लोग कैदियों की एक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि ये सीरियल बहुत लंबी चलेगी। शुरू हो जाओ। भूल थी गई, मैं पूरा का पूरा टैक्स भर दूंगा। अब आपके पास और कोई चारा भी नहीं है, सारा पैसा हमने जब्त कर लिया, पूरा डिक्लेयर होगा, अब आपको टैक्स के साथ जुर्माना भी भरना होगा। मैडम जी, आपके और आपके परिवार वालों के मोबाइल फोन्स हमने बरामद कर लिए, मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट में अर्जी देनी होगी। साहब, मेरा वो बैग। फोन लोगों ने जला दिया। बटुक जी, एक बात कहूं, बटुक जी, भोला होना, दबे रहना, ये किसी इंसान की फितरत हो सकती है, पर इतना भी दबके नहीं रहना चाहिए कि किसी का चुराया हुआ माल अपने घर में छुपाने दो। चाहे उस इंसान का आपने नमक ही क्यों ना खाया, कानून और देश के प्रति भी कुछ वफादारी होनी चाहिए ना। जाइए। चोरी का पैसा सिर्फ बदहजमी दे सकता है, ये ना तो टैक्स की चोरी करने वालों को हजम होता है और ना ही फर्जी छापा मारकर उसे लूटने वालों को। लोगों को सरकार से हजारों शिकायतें हो सकती हैं, फिर वो सरकार चाहे किसी भी पक्ष की क्यों ना हो, पर अपना हक मांगना, जायज तरीकों से अपना आक्रोश जताना, ये हर नागरिक का अधिकार है। पर वो अधिकार ही क्या जो कर्तव्य का साया ना हो। टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, टैक्स हम किसी सरकार को नहीं देते, टैक्स हम देते हैं अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र के निर्माण, तरक्की और मजबूती के लिए। सही तरीके से सही टैक्स भरना एक नागरिक की राष्ट्रभक्ति का सबूत है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और केस के साथ, क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।